In the heartland of India, the Jhulwania PHC is situated in Barwani district of Madhya Pradesh. With an average footfall of 50 to 100 OPDs per day, the PHC caters to the healthcare needs of a population of 19 villages. लाइट पहले नहीं रहती थी कभी अपन इलाज करवाने के लिए आते थे तो लाइट चली जाती थी अस्पताल में भी पहले जैसे इलाज भी सही टाइम पे नहीं मिल पाता था पहले द लाइट्स फैंस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड ऑल द मेडिकल इक्विपमेंट वर कंप्लीटली रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग पावर कट आवर्स द डॉक्टर्स एंड हेल्थ स्टाफ वर नॉट एबल टू कैरी ऑन टेस्टिंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल पहले जब मैं जब आया था तब लाइट की बहुत समस्या थी आठ घंटे लाइट जाती थी आठ घंटे रहती थी In 2019, Selco Foundation in partnership with Transform Rural India Foundation and in coordination with the government of Madhya Pradesh initiated solar energy solutions in the Jhulwania PHC. The electrical loads including lights, fans, laboratory equipment, cold chain and the essential equipment of the labor room were solar powered. That now gives uninterrupted power supply to operate all of these equipment and carry on medical procedures on time. अभी सोलर रखने से कोई दिक्कत नहीं आ रही है पूरे 24 घंटे हो रही है जैसे मच्छर चल रहा काटने थे बिजली बारिश के कारण दिक्कत आती थी अब वो कोई दिक्कत नहीं सौर ऊर्जा लगने से यहाँ पर हमारा 24 घंटे फ्रीजर भी चलता रहता सेंट्रीफ्यूज मशीन भी चलती है और माइक्रोस्कोप भी हमारे मतलब जो इन्वेस्टिगेशन हमारी लैब संबंधी ब्लड संबंधी वो जहाँ भी सुचारू रूप से समय पर रिपोर्टिंग हो जाती है एक तो मेरा ये एक तो ये दिया है हेल्थ एंड वेलनेस की में और तुम्हारा ये हमारे पास एक ऑक्सीजन की वो दी है मशीन और लेवर टेबल भी दी है और वहाँ पे बार्मर भी दिया है सब दिया है और फीटल मॉनिटरिंग भी दिया है और ईसीजी मशीन भी दी हुई है ये सब चीज़ें हमको दी है अधिकतर तो अभी तो ये जब से सोलर चली तो अभी तो ठीक चल रही लाइट हमारी लाइट चली जाती पर ये इसकी नहीं जाती